please subscribe to my channel and press the bell icon so that you cannot miss my any videos. तो चलिए आज का ये लुक स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैप्शन से पता चल गया होगा कि मैं कौन सा मेकअप करने जा रही हूँ। ये विदाउट कोई लैशेज और विदाउट आईलाइनर वाला मेकअप है, एकदम सिंपल सोबर सा। तो इसके लिए पहले मैंने मेरे नेल्स पे ना जाएं, तो सबसे पहले मैं लिप बाम लगा रही हूँ और इसके बाद मैं NYBA का वाटर बेस्ड सीरम ले रही हूँ और इसको अपने फेस पे लगा लूँगी। ट्रस्ट में ईद में जैसे मेकअप दिखाते हैं वैसा कोई नहीं करता, इतना ही सिंपल मेकअप रहता है सबका। तो इसके बाद मैंने कंसीलर लिया है, फाउंडेशन मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए, एकदम ऐसा ना लगे कि हेवी रहे, क्योंकि कई बार होता है कि पूरे दिन तक मेकअप रखना पड़ता है, तो पूरे दिन के लिए जो होता है फाउंडेशन लगाने से काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो मैंने कंसीलर अपने स्किन शेड कर लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद मैं अपना थोड़ा अंडर आई को और बाकी सारे एरिया को हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए अगेन मैंने लाइटर शेड का कंसीलर लिया है, ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है और इसको मैं अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर रही हूँ। और आप चाहे तो फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट आई प्रिफर कि मेरा एकदम फेस जो है थोड़ा हल्का लगे और ज़्यादा कुछ हेवी मुझे फील ना हो। कोई उतना हेवी आई मेकअप नहीं करता है ईद में। इसके बाद मैं इस कंसीलर को शुगर के कॉस्मेटिक ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर ले रही हूँ जस्ट लाइटली। ब्लश ज़रूर लगाऊंगी, कॉन्टोरिंग कोई नहीं करता, ब्लश मैं लगाऊंगी। ब्लश बहुत अच्छे तरीके से लगाइए क्योंकि वाहिद वो ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे को बहुत ही रौनक दे सकता है। तो मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ब्लश के बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और अब हाइलाइटर जो मैंने मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है फेस स्टूडियो का, और हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ये थोड़ा शिमरी कलर लिया है और इसको अपने आईलिड पे जस्ट एक बहुत बड़े ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। बीच में मुझे कर्व्स एंड लैशेस का फ़ोन आया था डिलीवरी के रिलेटेड, तो मैं उनसे बात करने लगी। अब मैं एक एयरबड लूँगी और एक ब्राउन कलर लेकर अपने आईज़ के कॉर्नर को थोड़ा डेप्थ देने के लिए बस वहाँ पर ब्राउन कलर को अप्लाई करके स्मज कर लूँगी। ये पता भी नहीं चलेगा लेकिन जब आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस दिखेगा आई में। तो मैं बस इतना सा कर रही हूँ, ये नो आई शेडो लुक भी आप कह सकते हैं, नो आई लाइनर कुछ नहीं, आप देख रहे हैं फ़र्क इतना। अब मैंने मेबलिन का ही काजल अप्लाई किया है। अब मैंने ये ब्लैक कलर लेके जो काजल मैंने लगाया है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है ताकि वो स्मज ना हो। और फिर आईब्रोज़ को मैं फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ फिल कर सकते हैं, थोड़ा लाइटली फिल कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है, ट्रांसपेरेंट मस्कारा है ये, और आईब्रो के साथ मैंने इसको लैशेस पे लगाया है और थोड़ी देर के लिए इसे मैं सूखने दूंगी। और जब ये सूख जाएगा तो मैं अपने लैशेस कर्लर से कर्ल करके मेबलिन का ही मस्कारा अप्लाई करूंगी ताकि वॉल्यूम आए। और क्योंकि मैं नो लैशेस वाला वीडियो बना रही हूँ तो देखिए किस तरह से कितना अच्छा लैश मेरा जो है ये लिफ्ट हुआ है। और अब लिपस्टिक मैंने लिप प्ले का लिया है। पहले जो मैंने लिपस्टिक लगाया था वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो मैं उसके ऊपर से ही मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और ये लिप प्ले का है और ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। और हम लोग इस तरह से ही मेकअप करते हैं, ये मैं भड़कीला छक्का वक्का कुछ भी नहीं लगाते। जो लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम इतना मेकअप करें, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप ट्यूटोरियल दे सकते हैं, जिनको करना है, जिनको फुर्सत है वो अपने घर पे इस मेकअप को कर सकते हैं, बट सीरियसली हम इतना लाइट मेकअप ही करते हैं। समटाइम वी डोंट अप्लाई काजल ऑल्सो। तो ये बहुत ही सिंपल लुक था, आईज़ जो हैं एकदम ब्राइटन अप लग रही हैं, लैशेस जो हैं लिफ्ट हैं। तो आई होप आपको मेरा ये एकदम इजी पीजी सा ईद का लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर।